नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो बाबा रिजवान खान @gmail.com पर मेल करें या गुरुजी रिजवान खान @gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को अब मत खरीदना, यह बुक आउटडेटेड हो चुकी है। यह बुक मैं बंद करने वाला हूँ। जल्द ही मैं नई बुक बाजार में लेकर आने वाला हूँ, जो आपको सीधा सीधा मेरी वेबसाइट www.babarizwankhan.com पर मिलेगी, जो मैं खुद आपको सेंड करूंगा कम कीमत पर, और आपको नई बुक नए अमलियात के साथ जल्द ही बाजार में देखने को मिलेगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और सही जानकारी के साथ अमल की साधनाएं, विधि विधान, पढ़ने और करने का तरीका आपको मिलेगा। नया साइज, नया कवर, नया एडिशन। कृपया मेरी पुरानी किताब मत खरीदना। अब बात करते हैं, नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। जब नज़र लगती है तो उसको पूछो, उस इंसान को, उस बच्चे का क्या हाल होता है। तड़प, दर्द, तकलीफ, दुख, न खाने न पीने का होश। बच्चों को लग जाए तो दूध पीना छोड़ देते, दुबले पतले हो जाते, सूख जाते। जो दूध पीते हैं, कुछ खाते भी हैं, उल्टी कर देते हैं, जुलाब कर देते हैं, बुखार लग जाता है। बड़ों की तो नज़र कमर तोड़ कर रख देती है, चेहरा पीला पड़ जाता है या तो काला पड़ जाता है, चेहरे की चमक गायब हो जाती है, दिन भर उबासी, उल्टी, नींद, कमजोरी, थकान, आलसीपन, पलंग पकड़ने तक की नौबत आ जाती है। ना दवाई लगती है, ना दुआ लगती है, फिर भी हम लग जाते हैं कई तरह के उपाय करने में। नमक उतार कर फेंकते हैं, लाल मिर्च गैस चूल्हे पर डालकर जलाते हैं, फलीजे बनाकर जलाते हैं, ताबीज या नींबू काटते हैं, काजल से उतारते, अंडे से उतारते, नींबू से उतारते, नारियल से उतारते या झाड़ू से उतारते, उसके बाद भी बंदा ठीक नहीं होता। अब ऐसे में क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सही विधि, सही अमल और सही तरीका पता नहीं। अगर सही पता होता तो नज़र भी हटेगी और कटेगी, जिसके लिए सही दुआ की ज़रूरत होती है। असली अमल, असली दुआ, असली तरीका जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो भी मेरे वीडियो को देखकर लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, वो इस अमल को याद से सीख ले, जिंदगी भर काम आएगा। एक दुआ है 10 काम करती है, 15 काम करती है। आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें, बस सही तरीका। एक दुआ 10 काम करती है, बस सही तरीका जान ले। ये नज़र जादू, आसेब, टोना, टोटका, बला, ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करें। दुआ को बिना देखे याद कर ले, जो आपको सभी तरह से काम में आएगी। जैसे नज़र, जादू, टोना, किया कराया, भूत प्रेत, बला, आसेब, जिन, कबीस, साया, प्रेत या भटकती कोई भी आंकवा लग जाए। बच्चे नींद में डर कर उठते हैं, ना दूध पीते हैं, पीने के बाद उल्टी जुलाब कर देते हैं, अब कैसे करें इलाज? तो हम क्या करें, एक मिट्टी का नया दीपक लेकर, दिया लेकर, उसमें सरसों का तेल डालकर आप पश्चिम दिशा की तरफ रख दे। सामने वाले को 3 फुट दूर बिठाए, उसका भी मुंह पश्चिम दिशा की तरफ कर दे और उसे उस लौ में देखने के लिए कहे। 3 फीट की दूरी पर बिठाए, दोनों हाथ उसके जमीन पर रख दे, और यानी हथेली को जमीन पर दोनों चिपका दे, और उसे सिर्फ उस दिए के लौ में देखने के लिए कहे। बस आप उस पर 21 बार, सबसे पहले दरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा 11 बार, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलिए, उसके बाद आप इस दुआ को पढ़िए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलीकन मलिकन तलीकन अंता तालमु माफी कुलुबहिम, अल अजल अल अजल अल अजल, अल वहन अल वहन अल वहन, अशातु अशातु अशातु, नमरूद, हमन, फिरौन, सद्दाद, अबू जहल, मिन जुनूदिन, इबलीसा, अजमान, बिहक खातम, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। आपको 21 बार पढ़कर सामने वाले के ऊपर फूकना है, और उस पर आप जो भी चाहे उतार कर फेंक सकते हैं, जैसे नींबू, नारियल, मिर्ची, झाड़ू या जो भी आपको उतारना, उतार कर उसके रिश्तेदार को दे दे, बोलो जाकर किसी चार रस्ते पर फेंक दे।
और आप उन सामान पर भी 11 बार जरूर पढ़े। परिवार वालों से कहे इसे फेंक दे और उस बंदे से कहे कि दिए को फूंक मारकर बुझा दे। आप चाहो तो इस दुआ को किसी काली स्याही यानी ब्लैक स्केच पेन से लिखकर भी आप सामने वाले को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, सामने वाले बंदे के गले में या बच्चे के गले में आप पहना दे, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर जिसको नज़र लगी हो चाहो तो आप काले धागे में काले डोरे में बनाकर भी आप उसको पहना सकते हैं। जब भी किसी चीज़ पर पड़े 11 मरतबा पढ़ना है। अगर माँ जो दूध पिलाती है और उसके दूध पर नज़र लगी है तो वो तावीज़ को आप माँ की सर की चोटी में 3 दिन तक बांध कर रखें, उसके बाद उस तावीज़ को किसी कुएं या नदी तालाब में फेंक दे। 3 दिन में वो बच्चा अच्छा हो जाएगा, दूध पीना शुरू कर देगा। दुआ को कभी भी कहीं भी किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़कर फूका जा सकता है। इस दुआ को सिर्फ आपको 333 बार पढ़कर सिद्ध कर लेना है। कभी भी कहीं भी टाइम मशीन के साथ या तस्बीह से, माला से, हकीक से, रुद्राक्ष से, जिससे चाहे आप उससे पढ़कर इसको 333 बार अपने अधीन अपने बस में इस दुआ को कर ले। फिर दुआ का इस्तेमाल आप कभी भी करें, कहीं भी करें। और जो लोग ऐसी कर रहे हैं नॉर्मल, तो वो सिर्फ इसको 21 बार पढ़कर ही उतारे या 11 बार पढ़कर उतारे तो भी ठीक हो जाएगा। ये 333 उन लोगों के लिए जो अमलियात की दुनिया में है, जो लोगों का भला कर रहे हैं। अब चाहे तो आप काले धागे में पढ़कर भी दे सकते हैं, गले में या पैरों में बांध सकते हैं, सामने वाला बंदा अच्छा हो जाएगा बहुत जल्दी। आजमाओ फिर बताओ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात टोने टोट के साधनाएं वजीफे विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।